अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपके साथ जो है वो टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही मज़े का बनता है और नहायत ही आसान रेसिपी है। इसकी बहुत क्विक और इजी वे में आप जो है इसको घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये बच्चे घर के बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें जी, हम इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कप जो है वो मैदा ले लेंगे। याद रहे कि आपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से छानना है। यहाँ पर एक कप मैदा जो है हम इसके अंदर डाल चुके हैं, साथ ही इसके अंदर जो है मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम अच्छे तरीके से छान लेंगे, और छानने के बाद जो है वो एक साइड पर रख देंगे और अपना लिक्विड बैटर जो है वो केक के लिए वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान चुके हैं, अब इसको एक साइड पर रख देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर जो है मैं 3 अंडे तोड़ूंगी। याद है कि मैं हमेशा जो है ब्लेंडर जग का यूज़ इसलिए करती हूँ केक बनाते वक्त कि उसके लिए आपको अलग से पाउडर शुगर नहीं बनानी पड़ती है। आप तमाम चीज़ें जो इसके अंदर डाल के जो है वो ईज़िली जो है वो ब्लेंड कर लेते हैं, और आपका लिक्विड केक बैटर जो है वो बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यहाँ पर 3 अंडे जो है वो मैं ब्लेंडर जग के अंदर तोड़ चुकी हूँ। अब साथ ही जो इसके अंदर है मैंने 1 कप के करीब जो है वो पूरा 1 कप नहीं था, 1 कप से थोड़ा सा कम था, तो 1 कप के करीब जो है मैंने वो चीनी डाल दी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा 1 कप चीनी जो है इसके अंदर ऐड करें। अब साथ ही इसके अंदर जो है 1 टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब इसके अंदर जो है 1/2 कप जो है वो ऑयल जाएगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास है। अब इसको अच्छे तरीके से जो है हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट जो है वो आप ब्लेंड करेंगे तो अच्छे तरीके से जो है इसका बहुत सॉफ्ट सा जो है वो केक बैटर तैयार हो जाएगा, और चीनी भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो जी, यहाँ पर जो है हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो गया। अब इसको हम एक बाउल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देंगे, और फिर इसके बाद जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो अच्छे तरीके से छान लिए थे उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। याद रहे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही आपने इसके अंदर नहीं डाल देना है, उसको तकरीबन 2 से 3 हिस्सों में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं 2 हिस्सों में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिक्विड बैटर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर जो है वो दूध ऐड नहीं किया है, दूध में जो है वो लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर। यहाँ पर जो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा हिस्सा भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए आपको किसी हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की। आप इजीली जो है वो चम्मच की या फॉक की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है मैं इसके अंदर 1/3 कप के करीब जो है मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी,
और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। हमारा केक बैटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर अब हमें इसकी एक कंसिस्टेंसी चाहिए और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है हम केक मोल्ड के अंदर जो है वो बटर पेपर रख के उसको अच्छे तरीके से जो है उस पर ऑयल ब्रश कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, मैं केक मोल्ड के अंदर जो है वो बटर पेपर मैंने रख दिया है और उसको मैंने ऑयल ब्रश कर दिया। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो केक बैटर डाल देंगे। याद है कि केक बैटर के अंदर कुछ भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वरना ये अच्छे तरीके से जो है वो बेक नहीं होगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो जी हम टी केक का बैटर जो है वो टी केक मोल्ड के अंदर डाल चुके हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो मैंने एक कढ़ाई जो है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर जो है मैंने ये प्लेट रख दी है। आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं या स्टैंड। अब इसको जो है मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो प्री हीट करूँगी। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर जो है वो टी केक को बेक होने के लिए रख दूँगी। हाँ तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पैन है वो अच्छे तरीके से कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो टी केक मोल्ड जो है मैं रख दूँगी ताकि टी केक अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब इसको ढककर जो है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पे रख देंगे और ये लो फ्लेम के ऊपर इजीली जो है वो 40 से 45 मिनट के अंदर कुक हो जाएगा। तो यहाँ जी 40 से 43 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरा केक जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। देखें स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है, कोई भी लिक्विड इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। अब इसको जो है हम ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये भी गरम गरम है, इसको थोड़ा ठंडा हो लेने दें और फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ तो जी यहाँ पर हम केक के स्लाइसेस जो है वो कट कर रहे हैं। देखिए ऊपर से कितना शाइनिंग वाला केक है और ऐसे लग रहा है जैसे बाहर अच्छी सी बेकरी से आपने लिया हुआ। और ये बहुत सॉफ्ट बना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।